बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लेट एक्स बी एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। हमारे पास एक्स एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। डिटरमाइन द क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। सेकंड पे है डिटरमाइन द क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ एक्स, ठीक है। और नंबर थ्री पर है डिटरमाइन द डेंस सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। ये थ्री हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिस सेट पर डिफाइन होती है, ठीक है, वो सेट और फाई पर मुश्तमिल होती है। फाई क्योंकि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक्स पर डिफाइन है, तो एक्स अगर किसी और पर होती तो उस पर मुश्तमिल होती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम इसके क्लोज सेट्स निकालें, क्लोज सेट्स हम किस तरह निकालेंगे, एक्स में से, एक्स पर डिफाइन है ना, तो एक्स में से इसके जो हमारे पास सेट्स हैं टा के अंदर उसको माइनस करेंगे। अब एक्स माइनस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, और एक्स में से एक्स को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई, ठीक है। तो हमारे पास एक्स और फाई के आगे क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट जो थे हमारे पास फाई और एक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा फाई और एक्स, ठीक है। सेकंड पे ये था कि डिटरमाइन द क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने क्लोजर निकालना है एनी सबसेट ए ऑफ एक्स का, ठीक है। तो अगर हम ए को ले लें फाई, ठीक है, अगर हम ए को फाई ले लें तो ए का क्लोजर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ए के क्लोजर में इसके क्लोज सुपरसेट आएंगे, तो फाई का क्लोज सुपरसेट सिर्फ क्या है, फाई है, ठीक है। और अगर हम ए को डज नॉट इक्वल टू फाई ले लें, फाई ना लें, तो इस तो इसके जो क्लोज सुपरसेट होंगे वो सिर्फ हमारे पास एक्स होगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ए क्लोजर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर तो हम फाई लेंगे तो उसका जब क्लोज सुपरसेट लेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ फाई है, फाई आ जाएगा। और अगर हम फाई नहीं लेंगे, जो भी सेट ले लेंगे जिस फाई नहीं होगा, यानी कि नॉन एम्प्टी होगा, तो उसका क्लोजर किसके बराबर आ गया, एक्स के, क्योंकि जो क्लोज सुपरसेट में सिर्फ हमारे पास वो एक्स ही उसका सुपरसेट बनेगा, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड का जो रिजल्ट है वो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देख लें ज़रा, फर्स्ट का आंसर हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास था हमने क्लोज सबसेट ऑफ एक्स लिखना था, तो लिख रहा हूँ मैं फाई और एक्स हैं, फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट का जो आंसर था ये मैंने लिख दिया। अब सेकंड का लिख रहा हूँ, सेकंड में हमारे पास टू कंडीशन है, अगर हम ए को फाई लें तो हमारा क्लोजर क्या आता है, फाई आता है, और अगर ए को डज नॉट इक्वल टू फाई लें तो ए का क्लोजर क्या आएगा, एक्स, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ इसी को ही, ए का क्लोजर बराबर होगा फाई के इफ ए इज इक्वल टू फाई होगा, ठीक है। और अगर इफ ए डज नॉट इक्वल टू फाई होगा तो इस क्लोजर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ए का क्लोजर ए फाई के बराबर होगा अगर हम ए को फाई लेंगे, और ए को अगर हम नॉन एम्प्टी लेंगे तो वो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना था कि डेंस सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। डेंस सबसेट ऑफ एक्स की हमारे पास डेफिनेशन होती है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड में ए इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी अगर हम किसी सबसेट और यानी जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन है उनके दरमियान क्लोजर देखें, तो कोई भी सबसेट जिसका क्लोजर उस यूनिवर्सल सेट यानी एक्स के बराबर आ जाए जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन है, तो वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज़रा इसका जो थर्ड का जो आंसर है वो हम सेकंड से कलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें कि जब भी हम ए को डज नॉट इक्वल टू फाई लेंगे यानी नॉन एम्प्टी लेंगे तो उसका हमारे पास जो क्लोजर है वो क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास जवाब ये आएगा कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्स, ठीक है, उसका जो क्लोजर होगा वो क्या होगा, एक्स, ठीक है। तो उसका मैं जवाब लिख रहा हूँ, सो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स इज डेंस इन एक्स, ठीक है। यानी कि एवरी नॉन एम्प्टी जो सेट होगा, ठीक है, जब हम उसको क्लियर लेंगे वो एक्स के बराबर आ जाएगा, यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। ये वीडियो इधर कंप्लीट हो रही है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम
सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश कि अपने वालदैन की इज्जत कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।